वेन डायग्राम इज गिवन इन द क्वेश्चन, मैं इसलिए इसको ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है? क्या बोलिए मैम, कैन यू प्लीज स्क्रॉल अप अ बिट, हमने तस्वीर लेनी है उसकी, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वगैरह की। चलिए मैम, नाउ यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, देयर आर 60 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ व्हिच 27 आर मेल एंड 20 टेक हिस्ट्री, एंड द वेन डायग्राम इज आल्सो गिवन, ठीक है? अब ये जो भी है आप साथ साथ नोट भी कर लें, ठीक है? साथ साथ समझें भी, साथ साथ नोट भी करें, और अगर समझ नहीं आ रही तो फिर आप आराम से आप समझ के देन यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है? ओके, तो द इंफॉर्मेशन गिवन इज लाइक दिस, यहाँ पे 18 है स्टूडेंट्स, ओवर हियर देर आर 9 स्टूडेंट्स, ओवर हियर देर आर 11 स्टूडेंट्स, एंड मेल, टोटल मेल मीन्स कि इस कंप्लीट सर्कल में, ये जो मेल वाला सर्कल है कंप्लीट सर्कल, इन दिस वी हैव 27 स्टूडेंट्स, 18 प्लस 9, और जो हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं, द कंप्लीट स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग हिस्ट्री, दे आर 20, एंड देर आर 22 स्टूडेंट्स ओवर हियर, ठीक है? दे आर नीदर मेल एंड नॉट दे टेक हिस्ट्री, ठीक है? ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, ही इज आस्किंग, शो दैट द इवेंट्स, a male is selected and a student who studies history is selected. I'll write the question. He's saying us, show which event a male is selected. A male is selected. Is selected, okay? And this is the second event he is talking about. Show that the event a male is selected and a student takes history. A student takes history. Takes history. This is the second event. Are independent. Are independent events. ठीक है, we have to show this. कहीं show आ जाए या फिर वो ये कहे हमें, कहीं पे अगर show आ जाए या फिर ये आ जाए कि check these events are independent or not. तो ये जो वर्किंग अब मैं करने लगी हूँ वो हमने करनी है. ओके, द फर्स्ट थिंग विच वी नीड इज, हमने जो इवेंट्स हैं, एक है मेल, हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एम मेल, ठीक है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर मेल, 27, ठीक है? एंड टोटल स्टूडेंट्स आर 60, दिस इज गिवन एट द वेरी बिगिनिंग, 60 स्टूडेंट्स, एंड द स्टूडेंट्स हु आर मेल वो भी हमें वेरी बिगिनिंग में गिवन है 27. और अगर वेन डायग्राम से आप देखना चाहें तो वेन डायग्राम से आप देख लें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल वुड बी 27 ओवर 60. मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करूंगी, आई विल लीव इट एज इट इज. आप लोग इसको हमेशा सिंप्लीफाई करके आंसर लिखेंगे इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है? नेक्स्ट वी नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ हिस्ट्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग हिस्ट्री. हाउ मेनी स्टूडेंट्स टेक हिस्ट्री, 20, एंड वॉट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 60, सो इट वुड बी 20 ओवर 60, 20 ओवर 60, ठीक है? एंड इंडिपेंडेंट शो करना है तो अभी हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन भी फाइंड करना पड़ेगा. वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल एंड स्टूडेंट्स टेकिंग हिस्ट्री, दिस. अच्छा जी, नाउ लेट्स गो बैक टू द वेन डायग्राम, लेट्स सी देयर.
वेन डायग्राम में हमारे पास ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, यहाँ पे वी हैव नाइन एलिमेंट्स, मीन्स देयर आर नाइन स्टूडेंट्स हु आर मेल एंड दे टेक हिस्ट्री एज वेल, ठीक है? तो दिस मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एच इज इक्वल्स टू 9/60, ठीक है? अब हमने क्या करना है, अब हमने यहां पे वर्किंग करनी है. वी आर गोइंग टू चेक लाइक दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग हिस्ट्री मल्टीप्लाई करेंगे. कितने आ रहे हैं हमारे पास, 27/60, ये मेल है, 27/60 एंड 20/60, दैट्स फॉर हिस्ट्री, 20/60. लेट्स सिंप्लीफाई इट, सिंप्लीफाई करके मुझे आंसर बता दें. कर लेते हैं, लेट्स राइट इट एज 3/20. दिस इज 3/20, ठीक है? तो इस वाले को भी हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, दिस वुड ऑल्सो बी 3/20, ठीक है? नाउ लुक, probability of male into probability of the students who are taking history, this is equals to probability of male and taking history. This thing is equals to this thing. Probability of male into probability of history is equals to probability of male into history. This working, the way I have done it, this working is very important. आप लोगों ने इस तरह से working करनी है, ठीक है? वर्किंग करने के बाद सिंपली नाउ वी हैव गॉट सेम आंसर ऑन बोथ साइड्स, दोनों 3/20 आ गए हैं. देयरफॉर इवेंट्स इवेंट्स मेल, द स्टूडेंट हु इज सिलेक्टेड इज मेल, और या फिर एंड द स्टूडेंट टेक्स हिस्ट्री एंड हिस्ट्री आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है? यस अब्दुल्ला, अब्दुल्ला शाहिद, एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन अब्दुल्ला शाहिद? अब्दुल्ला बट नो क्या ना अलेडिन से करके नहीं, वो हमने तस्वीर ले ली है सर. हाँ ले ली है चलिए मैम प्लीज कंटिन्यू. ओके ओके नाउ नेक्स्ट, अब आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? इसी से रिलेटेड हैं. गेट रेडी, ये जो पहले हैं ये कल वाले क्वेश्चंस थे, प्रीवियस क्लास वाले, जो क्लियर नहीं था ये उसका बेहतर प्रिंट आउट है. यू कैन अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, बल्कि यू शुड अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस ताकि आप लोगों को फर्दर आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं हो. ओके नाउ एक्सरसाइज 4D. मैम एक मिनट बस, वेन डायग्राम में हिस्ट्री की क्या वैल्यू थी? वेन डायग्राम में हिस्ट्री की, वेन डायग्राम में हिस्ट्री की क्या वैल्यू थी? मैं आपको दिखा देती हूँ एक दफा दोबारा से, देख लो. ये लो, ठीक है मैम. ओके बोलो.
ओके ये जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, ठीक है। आप लोग ऐसे करें, वार्म अप क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 कर लें जरा पहले, क्वेश्चन नंबर 2। राइट मैम, क्वेश्चन नंबर 2 करें, उसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। इन दिस क्वेश्चन इट्स क्लियरली मेंशन्ड टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर एम एंड एन, ठीक है। ही हैज सेड दैट एम एंड एन आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। Given that probability of M is 0.75 और M intersection N की 0.21 है, आपने probability of N find करनी है। वैल्यूज नोट डाउन कर ली, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आंसर आप लोगों को बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 0.28। अब्दुल रहमान अहमद, क्वेश्चन नंबर 5 अब करें स्टार्ट। मैम प्लीज थोड़ा ज़ूम इन कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 ये ऊपर से देखें, पहले ये इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लें, फिर मैं इसको ज़ूम इन करके ये नीचे वाले क्वेश्चंस आपको नजर आ जाएंगे ए एंड बी पार्ट। वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे या फिर कोई और टेबल ड्रॉ करेंगे, पॉसिबिलिटी डायग्राम, वेन डायग्राम ड्रॉ कर लो। Find the area.
दो बाहर आ जाएंगे ना जो कोई स्टूडेंट्स ऐसे मिले आपको कि हु डू नॉट अटेंड ड्रामा क्लास और सिंगिंग क्लास? यस. कितने स्टूडेंट्स हैं? टू. ओके फाइन. अब्दुल्ला भट्ट, आपने फाइंड कर दिए वो टू स्टूडेंट्स या नहीं? आर इवेंट्स डी एंड एस इंडिपेंडेंट गिव अ रीजन फॉर ये टू का एम एम यूनियन जो एम का वो जो भी है उसका क्या आंसर है? पिछले क्वेश्चन हां प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ. 0.28. हो गया. अगर वो इंडिपेंडेंट लेट सपोज क्योंकि मुझे आंसर नहीं पता ठीक है आप लोगों ने वर्किंग किया अगर आपके पास तो रीजन वुड बी लेट सपोज दे आर प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन एस आपके पास इक्वल आ जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एस के तो देन यू विल राइट एस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन एस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एस देयरफॉर इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ये रीजनिंग होगी नथिंग एल्स रीजनिंग बताऊं लिख दूं? यस मैम प्लीज. ओके ओके ठीक है. पहले तो ये वेन डायग्राम देख लें आप लोग जो लोग ड्रॉ कर रहे हैं अभी तक जिनसे नहीं हो पाई ठीक है. देयर आर 28 स्टूडेंट्स ठीक है 19 टेक ड्रामा तो ड्रामा वाले स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 19 ठीक है और 13 टेक सिंगिंग वाले हमारे पास हैं 13 ठीक है. आप एक दफा इन दोनों वैल्यूज को एड अप करें एंड चेक इज योर आंसर 28. अगर इन दोनों को एड अप करने से आंसर 28 आ जाता है तो फिर तो कोई भी वैल्यू बाहर नहीं होगी. इफ द आंसर इज लेसर देन 28 तो फिर कुछ वैल्यूज बाहर होंगी सम स्टूडेंट्स विल बी आउटसाइड एज वेल ठीक है. तो 19 प्लस 3 इज हाउ मच? It is 13. ये जरा देखें ये पहले है हमारे पास ड्रामा डी एंड ओवर हियर इट्स एस फॉर सिंगिंग. ही टोल्ड अस कि हु अटेंड बोथ हमेशा आपने इंटरसेक्शन वाले पोर्शन से आपने स्टार्ट करना है हमेशा. यू हैव टू रिमेम्बर दिस जब भी आप वेन डायग्राम आप ड्रॉ करना शुरू करते हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है आपने सबसे पहले उसकी वैल्यू लिखनी है. अब्दुल्ला शाहिद ठीक है तो हमारे पास है 6 अटेंडेड बोथ ड्रामा क्लासेस एंड सिंगिंग ठीक है. तो आप सबसे पहले आप इधर सेंटर में आप लिख लें 6 ठीक है.
एंड वी नो इन दिस कंप्लीट सर्कल डी, डी वाले कंप्लीट सर्कल में हमारे पास 19 वैल्यूज हैं, ठीक है, तो 6 वैल्यूज तो पहले आ चुकी हैं, 19 वैल्यूज इधर हैं, तो हाउ मेनी वैल्यूज विल बी हियर जहां पे मैं डॉट लगा रही हूँ? 13 हमारे पास 13 थे, ठीक है, मींस ये जो 13 है ये कंप्लीट, ये एस वाले सर्कल में हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स 13 होने चाहिए, जिनमें से 6 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट ओवर हियर, 6, ठीक है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी हियर? 13 माइनस 6 इट वुड बी 7, ठीक है. अब लेट्स चेक दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू वी हैव इन टोटल, हमारे पास जो टोटल चिल्ड्रन थे दे वर 28, इन तीनों वैल्यूज को एड अप करके क्या हमारे पास 28 आंसर आ रहा है? 13, 6 एंड 7, व्हाट इज द आंसर? 13, 6 एंड 7, 26, यस, ठीक है ना, 26 आ रहा है ना, तो 26, लेकिन टोटल स्टूडेंट चिल्ड्रन जो थे वो तो हमारे पास 28 थे, तो इसका मतलब है 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नीदर ड्रामा नॉर सिंगिंग में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए 2 इधर आ गया. नाउ अब क्वेश्चन इज, द फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट, हमने वेन डायग्राम ड्रॉ कर ली, आर इवेंट्स डी एंड एस इंडिपेंडेंट? अब हमने शो करना है डी एंड एस इंडिपेंडेंट है या नहीं है, गिव योर रीजन, ठीक है. अच्छा जी, ये रीजनिंग ही स्टार्ट हो जाती है जब पहले आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फाइंड कर लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस फाइंड कर लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगिंग, और प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करें डी इंटरसेक्शन एस भी, डी इंटरसेक्शन एस ये भी आप फाइंड कर लें, ये तीनों फाइंड करें, क्या वैल्यूज आ रही हैं आपके पास? 6/28, 19/28, ठीक है, ओके, और डी, डी की बताएं प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या होगी हमारे पास? 19 है ना, ओ सॉरी मैम, ये 6/28 है, पहले वाला 19/28 है. हां जी, 19/28, मैंने गलत ऑर्डर में बताया, मैंने भी शो ऑर्डर, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगिंग इट वुड बी 13/28, ठीक है जी. अब हमने शो करना है कि दे आर इंडिपेंडेंट और नॉट, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन एस हमें गिवन है, अब आप फाइंड करें प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, अब ये वर्किंग है जो इम्पोर्टेंट है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, लाइक दिस, दिस इज इक्वल्स टू, ये जो इनकी वैल्यूज आई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी वाज 19/28 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगिंग है हमारे पास 13/28, सिंपलीफाई एंड टेल मी द आंसर. उसके बाद आपने देखना है कि इफ इट्स 6/28, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे रफली एग्जांपल है क्योंकि, तो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर 5/28, लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स सपोज इट्स 5/28. अब डी इंटरसेक्शन एस के इक्वल इसको होना चाहिए था, दिस इज नॉट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन एस. अगर आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद 6/28 आ जाता तो फिर आप लिखते इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन एस, लेकिन यहां पे सिंप्लीफाई करने के बाद इट्स 5/28, ठीक है, सो यू विल राइट दिस इज नॉट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन एस, देयरफॉर D and S, drama and singing are not independent events. Drama and singing are not independent events. Are not independent. ये reasoning होगी. That's it. अब क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 करें अब आप लोग. मैम इफ यू डोंट माइंड ये हमें आप व्हाट्सएप कर दें तो हम आई थिंक क्लास ओवर हो चुकी है. क्लास ओवर तो हो चुकी है लेकिन आप लोग ये क्वेश्चन मेरे सामने करें क्योंकि आप लोग घर पे जाके भी काम नहीं करते हैं. नहीं मैम इंशाल्लाह अब तो करेंगे. मेरे तक आप लोगों अब घर पे ही होना. हाँ मुझे पता है आप लोग करेंगे लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह. चलो ये एक क्वेश्चन कर ली 8 जल्दी से कर लोगे और जाओ. सिंपल सेम है जैसे आपने पहले किया है बिल्कुल वैसा ही है. क्वेश्चन नंबर 8 इस क्वेश्चन में आप लोग इवेंट्स को लिखेंगे क्या, वैल्यूज को आप लिखोगे, पॉसिबिलिटी डायग्राम ड्रॉ करोगे, क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 8 को जरा आप लोग स्टार्ट करें फिर मैं आप लोगों को ऐसे केसेस के लिए एक बहुत ही डिफरेंट मेथड बताऊंगी. मतलब जल्दी से हो जाता है, आप लोगों ने पहले देखा होगा लेकिन किया नहीं होगा. क्वेश्चन लिख लिया. आई हैव टू जूम आउट. अब्दुल रहमान आपके पीछे कौन बैठा हुआ है? कुछ समझ नहीं आ रही कौन है वो. समीर बैठा हुआ है मैम. अच्छा समीर उसको समझ नहीं आ रही. कोई समीर, समीर को माइक दो ना. एमएच समीर को माइक नहीं जाएगा. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम बेटा. हाँ जी हाँ जी बोले बेटा. समीर आवाज बंद हो गई अब. हाँ अब बोले अब बोले अब बोले. कोई प्रॉब्लम नहीं है कर रहा हूँ. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम. पक्की बात है? अगर कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं. अहमद नहीं मैम, he doesn't have any confusion. ओके ओके चलें फिर करें क्वेश्चन नंबर 8 को. अब मैं जूम आउट करने लगी हूँ. ओके क्वेश्चन नंबर 8 में वन मेथड इज He is telling the two ordinary fair dice are rolled. इस तरह के questions as it is आप लोगों के पास पेपर में आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जैसे और जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 आपको करवाया है वैसे. ठीक है सेम वर्डिंग्स भी सेम होती हैं. ओके लेकिन ये पास पेपर के questions हैं नहीं. टू ऑर्डिनरी फेयर डाइस आर रोल्ड इवन टैक्स प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स ऑब्टेन्ड इज ऑड. ठीक है अब
कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं, they're going to say कि हम यहाँ पे वो जो पॉसिबिलिटी डायग्राम जो हुआ करती थी आप लोगों की, इस तरह करके मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट डाई के आउटकम्स रख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे सेकेंड डाई के आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज ऑड, ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स को फाइंड करते हैं, जो ऑड होंगे उनको हम हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये देखें 1 1 1 1 2 2 1 3 3, ठीक है, आप सारे प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं, फिर आप जो ऑड है उनको आप हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस, अगर आप लोगों के माइंड में ये मेथड आया है तो ये हमने बिल्कुल भी यूज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इट्स वेरी लेंथी, ये आप लोगों ने बिल्कुल भी यूज नहीं करना। ये आप लोग इस तरह चाहे आप लोग नोट डाउन करके आप लोग लिख लें कि डू नॉट यूज दिस मेथड नाउ, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब हमने ऐसे नहीं करना, फिर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट द एलिमेंट्स, ये जो x के एलिमेंट्स हैं, x इज इक्वल्स टू, आप चाहें तो अब आप इसके एलिमेंट्स लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स ऑब्टेन्ड इज ऑड, ठीक है। कैसे आ सकता है, 1 1 3 3, ठीक है, इस तरीके से आपको सारे प्रोडक्ट्स आपको फाइंड करके यहां पे लिखने पड़ेंगे। वी डू नॉट प्रेफर दिस मेथड एज वेल, ओके। अब आ जाता है वो मेथड जो मैं आप लोगों के साथ अब डिस्कस करने लगी हूं, ठीक है। आपने पॉसिबिलिटी डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखें इसको, इसको अब हमने कैसे करना है, जरा देखते जाए, 1 2, दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट, 4, 5, और 6, ये आप लोग मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, एंड एंड पे हमारे पास 6 है, ठीक है, ओके। ही इज टेलिंग एक्स द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड इज ऑड, जहां पे भी प्रोडक्ट आपका ऑड आ रहा है वहां पे एक्स लिखते जाओ, एक्स यहां पे भी प्रोडक्ट ऑड है, एक्स यहां पे भी ऑड है, एक्स यहां पे इस रो में कहीं पे भी ऑड नहीं आएगा, फिर यहां पे ऑड है, 3 1 3, 3 3 9, समझ आ रही है, 3 5 15, ठीक है। जहां जहां पे ऑड वैल्यू आती जा रही है वहां वहां पे आप लोग लिखते जाएंगे, 5 1 5, 5 2 10, नहीं 5 3 15, 25, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम 6 की तरफ, तो 6 1, इस 6 वाले में भी हमारे पास कोई नहीं होगा, ठीक है। तो जितनी ऑड वैल्यूज थी वहां वहां पे हमने लिख दिया है x। अब आ जाते हैं सेकेंड इवेंट की तरफ, सेकेंड इवेंट इज y, सम ऑफ द टू नंबर्स ऑब्टेन्ड इज मल्टीपल ऑफ 3, सम ऑफ द टू नंबर्स ऑब्टेन्ड इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो आप लोगों ने अब सम फाइंड करना है और फिर देखना है अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 है तो आप वहां पे y लिख देंगे। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब पता है ना, 3 6 9, 3 के टेबल में जो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, वहां पे आप लोग y लिखें, आप लोग खुद लिखें y, मैं भी y लिखती हूँ। पहले सम को देखना है, 1 2 + 1 3, एंड y, 3 + 1 4, नहीं 5 + 1 6, y इधर आ जाएगा, ये इस x के साथ ही y होगा, और 6 + 1 7, नो 2 + 1 3, हाँ ये y हो जाएगा, ठीक है, 2 + 2 4, इट्स नॉट, 2 + 3 5, दैट्स नॉट नॉट मल्टीपल, 4 + 2 6, दैट्स अ मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ पे y आ जाएगा, 5 + 2 7, दैट्स नॉट अ मल्टीपल, 2 + 6 8, दैट्स नॉट अ मल्टीपल, यहाँ पे y नहीं आएगा। इस तरह से सब y's आप लोग फाइंड कर लें, क्या कर सकता हूँ, क्या बोल रहे हैं,
फिर वो नए कह रहे लिखेंगे जंबल अप हो गया। हाँ बिल्कुल जंबल अप हो गया। अच्छा जी अब देखें जरा जो x की वैल्यूज हैं वो आप लोगों को क्लियरली नजर आ रही हैं, y की वैल्यूज भी आप लोगों को क्लियरली नजर आ रही हैं, लेकिन अनलकीली आज मार्कर का कलर चेंज नहीं हो सकता। तो जो y इंटरसेक्शन x है उनको मैं सर्कल करने लगी हूँ। एक ये वैल्यू है, ये वाली देखिए, एक ये ठीक है, ये भी y इंटरसेक्शन x वाली वैल्यू है ठीक है, और एक ये वैल्यू है y इंटरसेक्शन x वाली, बस और कोई वैल्यूज नहीं है। अगर किसी और स्टूडेंट के पास कहीं और डबल वैल्यूज आई हैं तो मुझे बता दें। डबल वैल्यूज मतलब कि x एंड y कहीं और इकट्ठा आया है इसके अलावा? मेरे पास सिर्फ थ्री प्लेसेस पे x एंड y इज टुगेदर। अच्छा बॉयज आप लोगों को कंफ्यूजन है, y की समझ नहीं आ रही कि मैंने y कैसे लिखा है? ये जो y की वैल्यूज जो हम लिख रहे हैं आप लोगों को क्लियर है मैं y कहाँ पे प्लेस कर रही हूँ या फिर कोई कंफ्यूजन है? मुझे तो है। अब्दुल्ला शाहिद मैम आपको कंफ्यूजन है? Yes, I'm clear. अच्छा ये मैं आप लोगों को इसलिए बोल रही हूँ कि लाइक दिस क्वेश्चंस दे कम इन एग्जाम एंड दिस थिंग शुड बी क्लियर। खुल के बनना हमारे अच्छा ए पार्ट अब आप लोग करें फिर डिटरमिन गिविंग रीजंस फॉर योर आंसर वेदर एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। स्टार्ट करूं मैं इसे? ये रहा ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट। मैम स्टूडेंट्स वांट टू गो होम। चलें ठीक है आप लोग ये वाला क्वेश्चन जो है आज आप लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट करके सिर्फ ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 आज ही मुझे आप लोगों ने सेंड करना है। ओके अहमद ओके अब्दुल्ला बट अभी तक आपने मुझे एक भी जो कमेंट आपको कहा है करने के लिए आपने अभी तक मुझे एक दफा भी कुछ शेयर नहीं किया आपने मेरे साथ। अब्दुल नाफे वो कह रहे मैं सेंड करूंगा अब्दुल नाफे आ जाए। अब्दुल नाफे और वो कैप में कौन है जो आपके साथ बैठा हुआ है ब्लू कैप? क्या है रजा को क्या है? अहद रजा मीर। ओके ओके चलें ठीक है आप लोग अभी जा सकते हैं ठीक है क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 को ठीक है, ओनली क्वेश्चन नंबर 8 टुडे एंड डू सेंड मी इट्स वर्किंग ऑल ऑफ यू। सिर्फ ऐसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। अच्छा नहीं वो हमसे बात करना चाह रहे हैं, सॉरी मैम। ठीक है ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम, अल्लाह हाफिज।